हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज डॉक्टर छविकर। वेलकम टू माय चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आज मैं आपको लेक्चर देने वाली हूँ। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ एक सब्जेक्ट है आपका, उसका एक टॉपिक है रिट्रेंचमेंट। ये आता है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। तो आज मैं आपको बताऊँगी रिट्रेंचमेंट किसे कहते हैं और रिट्रेंचमेंट के एसेंशियल क्या क्या होते हैं। तो रिट्रेंचमेंट किसे कहते हैं? जब भी कोई एम्प्लॉयर सरप्लस लेबर या स्टाफ को किसी भी रीजन से उसकी सर्विस को टर्मिनेट कर देता है, तो उसे कहते हैं कि उसने उसका रिट्रेंच कर दिया या ये रिट्रेंचमेंट हो गया। ये जो है क्लोजर से बिल्कुल अलग होता है। क्लोजर में क्या होता है, पर्पस क्या होता है आपका, कि आपको बिजनेस क्लोज करना है, इसलिए आप एम्प्लॉय की सर्विस को जो है टर्मिनेट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपका मोटिव क्या होता है कि आपके पास सरप्लस लेबर या स्टाफ है, तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप उस सरप्लस लेबर और स्टाफ को ही सर्विस को टर्मिनेट कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट। अब रिट्रेंचमेंट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 200 में दी गई है। तो इसके हिसाब से उन्होंने उसकी दो कंडीशन बताई है कि रिट्रेंचमेंट में एक तो जो है सर्विस एम्प्लॉयर जो है वर्कमैन की सर्विस को टर्मिनेट करे, दूसरा होता है कि वो सर्विस का जो रीजन टर्मिनेशन का है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एनी रीजन कैन बी गिवन टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ सरप्लस लेबर एंड स्टाफ। जब हम इसका मीनिंग बताते हैं तो हमें साथ के साथ ये भी बताना होता है कि रिट्रेंचमेंट में क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। तो अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड से वो बताऊंगी कि व्हाट इज नॉट रिट्रेंचमेंट। देखिए, रिट्रेंचमेंट का तो मीनिंग क्या हुआ कि एम्प्लॉयर ने अपने सरप्लस लेबर या स्टाफ को किसी भी रीजन से टर्मिनेट कर दिया। अब ये जो सर्कमस्टांसेस होती हैं, अगर इनकी वजह से किसी की सर्विस टर्मिनेट होती है तो वो रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन में नहीं आती है। सबसे पहले क्या है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ ए वर्कमैन एज ए पनिशमेंट। देखिए, जब भी कोई वर्कमैन जो है काम कर रहा होता है तो हो सकता है कि उसने कोई गलत काम किया हो जिसकी वजह से एम्प्लॉयर ने उस पर क्या लिया, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, और उसको पनिश करने के लिए अगर वो उसको सर्विस से निकालता है तो वो रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन में नहीं आता है। मतलब अगर किसी के अंगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए आप उसे एज ए पनिशमेंट सर्विस से टर्मिनेट कर रहे हो तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ रिट्रेंचमेंट। अब सेकेंड आता है आपका वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वॉलेंट्री तो आई थिंक आपको सबको नाम पता है। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि अगर आपकी जो सर्विस है कि जो एज है उसे पूरे होने से पहले ही आप रिटायर ले रहे हो तो उसे कहते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट। अगर आपने खुद ही पहले रिटायरमेंट ले लिया तो उसे ये नहीं मानेंगे कि यहाँ पे सर्विस टर्मिनेट आपकी रिट्रेंचमेंट से हुई है। इसीलिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ रिट्रेंचमेंट। इसमें एक बड़ा फेमस केस हुआ था, वो था आपका जेके कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कौन सा केस था? जेके कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हुआ, एक एम्प्लॉय था, उसने एक अपना वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेने की इच्छा से अपना रेजिग्नेशन मैनेजमेंट को दे दिया। अब जब वो खुद ही अपना रिटायरमेंट चाह रहा था तो मैनेजमेंट ने भी उसे एक्सेप्ट कर दिया। बाद में वो कहता है कि भाई ये तो जो है मेरा रिट्रेंचमेंट था, इसलिए मुझे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिलनी चाहिए। अब ये केस लेबर कोर्ट में किया तो डिसाइड किया गया कि अगर आप खुद ही वॉलेंट्री जो है अपना रेजिग्नेशन दे रहे हो तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट कभी भी रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन में नहीं आता है। जब वो रिट्रेंचमेंट नहीं है तो आपको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कैसे मिल सकता है? तो क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट आता है आपका रिटायरमेंट ऑन रीचिंग सुपर एनुएशन एज। देखिए, अगर कोई भी एम्प्लॉय अपनी सुपर एनुएशन एज पे पहुंच जाता है तो फिर उस एज पे उसका रिटायरमेंट हो जाता है। तो अगर सुपर एनुएशन एज पे पहुंचने की वजह से उसका रिटायरमेंट हो रहा है तो ऐसा रिटायरमेंट भी रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन में नहीं आता है। अब नेक्स्ट है इसका टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑन ग्राउंड ऑफ कंटिन्यूड इल हेल्थ। अगर किसी एम्प्लॉय की तबीयत खराब है
थोड़ी बहुत मतलब खांसी गर्मी जुकाम तो हर किसी को लगा रहता है, 3-4 दिन में हफ्ते भर में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी की इल हेल्थ है और वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है तो ऑब्वियसली वो जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी अपनी दिखाई नहीं सकता, उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो इस बेस पे अगर किसी की को सर्विस से निकाला जाता है तो वो भी रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन में नहीं आता है। तो क्लियर हो गया, अगर किसी की कंटिन्यू इल हेल्थ है और उसकी वजह से हम उसे निकालते हैं तो वो रिट्रेंचमेंट में नहीं आएगा। तो इसमें भी बड़ा फेमस केस हुआ था, आप ध्यान रखिएगा, ललित मोहन वर्सेस प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड दिल्ली, ललित मोहन वर्सेस प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड दिल्ली का केस था। इसमें कंपनी ने एक माली को रखा, अब उन्होंने माली को बोला कि आप ESI का जो डॉक्टर है उससे अपनी अच्छी हेल्थ का जो है सर्टिफिकेट ले लो। अब वो माली उस डॉक्टर के पास गए, जब वो डॉक्टर के पास नहीं गया तो उसे सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। तो मैनेजमेंट ने इसी रीजन पे कहा कि इसने डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं लिया, इसका मतलब इसकी इल हेल्थ है और वो काफ़ी टाइम से चल रही है, और उन्होंने उसे सर्विस से निकाल दिया। फिर ये केस जो है लेबर कोर्ट में गया, उसके बाद लेबर कोर्ट ने भी कुछ उनकी फेवर में डिसाइड नहीं किया, तो फिर ये उसमें जाता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट इसकी अपील नहीं सुनती, फिर ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो है माली को जो उन्होंने निकाला गया है, तो इस केस में क्या था कि उसने डॉक्टर से जो था सर्टिफिकेट नहीं लिया। तो सिर्फ अगर डॉक्टर से सर्टिफिकेट नहीं लिया तो इसी प्रिजम्पशन पे आप ये कैसे मान सकते हो कि उसकी इल हेल्थ है और वो भी बहुत टाइम से चल रही है। आपको उसका कोई दोबारा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए था या आप पे कोई और कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए था, सिर्फ आप प्रिजम्पशन के बेसिस पे ये नहीं मान सकते हो। तो इसका मतलब आपने वो जो उसको निकाला था वो बिल्कुल गलत निकाला था। अब लास्ट आता है आपका टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन एज ए रिजल्ट ऑफ नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जब भी आप किसी को सर्विस पे रखते हो तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि भाई हम आपको 1 साल के लिए रख रहे हैं। अगर 1 साल के बाद आपने ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया तो आप दोबारा से कंटिन्यू करना। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के बाद या जितना भी टाइम मेंशन है उस कॉन्ट्रैक्ट में वो रिन्यू नहीं होता है और उस वजह से एम्प्लॉय की सर्विस टर्मिनेट हो जाती है तो माना जाएगा ऐसी कंडीशन जो है रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाती। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा रिट्रेंचमेंट में हम क्या क्या चीज़ें नहीं लेते हैं। एक तो डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से किसी की सर्विस जाती है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट की वजह से जाती है, सुपर एनुएशन एज पे पहुंचने की वजह से रिटायरमेंट होता है, या कंटिन्यू इल हेल्थ की वजह से होता है, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है वो रिन्यू नहीं होता है, तो ये सभी चीज़ें आपकी रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाती। तो अगर आपसे रिट्रेंचमेंट का मीनिंग पूछा जाता है तो पहले आप रिट्रेंचमेंट का मीनिंग बताएंगे, फिर सेक्शन 200 में क्या 2 कंडीशन दी गई है, फिर क्या क्या चीज़ें रिट्रेंचमेंट में नहीं आती है। इसके बाद आप लिखेंगे रिट्रेंचमेंट में क्या क्या एसेंशियल होते हैं। तो अब मैं बताऊंगी व्हाट आर एसेंशियल ऑफ रिट्रेंचमेंट। देखिए, काफ़ी सारे एसेंशियल तो इसकी डेफिनेशन से निकल जाते हैं। सबसे पहले है कि इसमें जो टर्मिनेशन है वो वर्कमैन का होना चाहिए। वर्कमैन जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में उसकी जो डेफिनेशन दी गई है वर्कमैन की, उसी वर्कमैन का अगर टर्मिनेशन होता है तभी वो रिट्रेंचमेंट की कैटेगरी में आता है। और जो बिजनेस है, जो एस्टेब्लिशमेंट है जिससे उसको निकाला जा रहा है, वो कंटिन्यूइंग बिजनेस होना चाहिए, ये नहीं कि वो बिजनेस क्लोज हो गया हो, तो वो बिजनेस कंटिन्यूइंग होना चाहिए। थर्ड आता है आपका कि सरप्लस लेबर और स्टाफ को निकाला जाना चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो। तो इसमें थर्ड पॉइंट क्या हो जाता है, सरप्लस लेबर या स्टाफ को निकालते हैं किसी भी रीजन से। फोर्थ पॉइंट होता है कि जो हम निकाल रहे हैं वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम किसी एम्प्लॉय को विक्टिमाइज करना चाह रहे हैं या हम कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो विक्टिमाइजेशन की वजह से नहीं होना चाहिए, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की वजह से नहीं होना चाहिए। फिफ्थ है कि इसका मोटिव, वैसे तो कुछ भी हो सकता है लेकिन ब्रॉडली इसका मोटिव होना चाहिए कि आपने इकोनॉमी के पर्पज से किया हो, रेशनलाइजेशन के पर्पज से किया है, या फिर आपने कोई लेबर सेविंग मशीनरी लगाई है जिसकी वजह से आपको एम्प्लॉय को निकालना पड़ रहा है। और लास्ट पॉइंट है कि ये जो है उन कंडीशन में नहीं आना चाहिए जैसे कि वॉलंटरी रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन एज की वजह से रिटायरमेंट है,
कंटिन्यू इल हेल्थ की वजह से है, डिसिप्लिनरी एक्शन में पनिशमेंट की वजह से है, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, ये इन डेफिनेशन में नहीं आना चाहिए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा रिट्रेंचमेंट किसे कहते हैं और एसेंशियल। जब आप रिट्रेंचमेंट लिखेंगे तो डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप क्या देंगे, क्या क्या चीज़ें रिट्रेंचमेंट में नहीं आती है, और उसके बाद फिर आप लिखेंगे व्हाट आर एसेंशियल ऑफ रिट्रेंचमेंट। ये बहुत डिफिकल्ट है, जब आप बुक से पढ़ते हैं तो बड़ा बोरिंग और बड़ा टेक्निकल सा लगता है। आई फील एंड आई डू होप कि मैंने बड़े आपको इजी लैंग्वेज में दिया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे हिट जरूर करिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।